छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स में 18 मार्च को मतदान होने हैं। इसे लेकर दोनों व्यापारी पैनलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही दोनों ही ओर से अपने अपने जीत के दावे भी किए जाने लगे हैं। चैंबर चुनाव को लेकर व्यापारी जन प्रतिनिधियों में सरगर्मी तेज है। विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है, जिसके बाद प्रत्याशी छोटे व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें रिझाने में जुट चुके हैं। इसी बीच हमारे संवाददाता तिलक देवांगर शहर के प्रमुख गोल बाजार के व्यापारियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान व्यापारियों ने गोल बाजार में व्याप्त समस्याओं को खुलकर बताया। उनका कहना है कि पानी से लेकर शौचालय तक की समस्याओं का जिक्र किया। इसके अलावा ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानियां भी खुलकर बात की। उम्मीद सब होना चाहिए ना, कस्टमर लोगों की सुविधा खरा उतरना चाहिए। जो अध्यक्ष महोदय हमारे, उसको खरा ही उतरना चाहिए काम में, सब चीज में, हर विषय में। जो भी कमी बेसी लोगों को तकलीफ है उसको दूर करना उसका फर्ज है। सुविधा में ट्रैफिक जाम है पूरा, कोई यहाँ पे पुलिस वाले है नहीं। कम से कम ट्रैफिक पुलिस वाले आए दो चार, यहाँ ट्रैफिक की सुविधा बने। व्यापार जो होलसेल वाले हैं वो डूमर तरह, यहाँ जो भी नया प्लान चल रहा है वहाँ जाए। हम तो रिटेलर हैं, सेमी होलसेलर। कुछ नहीं है, शौचालय नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना चैम्बर करता है ना नगर निगम कर रहे हैं। सभी सुविधाएं हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक शौचालय की थोड़ी कमी है, वो हो जाएगी, और एक पानी की भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बस इस बंजारी रोड में एक चीज़ नहीं हो तो ट्रैफिक जाम नहीं होगी। फोर व्हीलर जो प्राइवेट रहते हैं वो, उनका आना बंद हो जाए तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। GST का सरलीकरण होना चाहिए मार्केट के अंदर में। वैसे शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं है, वो भी ज़रूरी है बहुत। कई महिलाएं आती हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है। और अगर एक मार्केट अगर अलग से बन जाए और, तो उसका थोड़ा बेनिफिट मिलेगा व्यापार को।